सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का 13 चैप्टर करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है और इससे पहले वाली वीडियो में हमने मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये सब कुछ पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ मैग्नेट से स्टार्ट करेंगे और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को, जिससे ये और ज़्यादा स्टूडेंट्स को सुनने को मिले। थैंक यू। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूजेस ऑफ मैग्नेट। अब लास्ट मैंने आपको बताया था मैग्नेट क्या होता है, दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, किस तरीके से करंट फ्लो करता है। तो अब देखिए टॉपिक यूजेस ऑफ मैग्नेट, इसमें फर्स्ट है मैग्नेट का यूज कहाँ किया जाता है। तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है ये, मैग्नेट के यूजेस वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं बट हमें पता होना चाहिए अगर कभी पूछ लिया जाए तो। ये कुछ मैंने यूजेस दे रखे हैं, फर्स्ट है रेफ्रिजरेटर, सेकेंड है रेडियो एंड स्टीरियो स्पीकर्स, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट प्लेयर्स, इन चिल्ड्रंस टॉयज एंड ऑन हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपीज ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही बेसिक से यूजेस थे जो हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, बट मैग्नेट इनमें कहाँ लगा होता है ये, जब ये गैजेट्स या ये चीजें जब अप्लायंसेस खुलते हैं तभी हमें पता चलता है। नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये मैंने आपको पहले करवाया था। नाउ प्रॉपर्टीज देखिए, फर्स्ट है इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू इट साउथ पोल, जो इनकी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है। दीज लाइन्स आर कर्व्ड एंड कॉन्टिन्यूस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती है हमेशा कर्व्ड और कॉन्टिन्यूस होती हैं। सेकेंड और थर्ड जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है और ये कर्व्ड एंड कॉन्टिन्यूस क्यों होती है। थर्ड वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स इज मोर एट पोल्स, दैट इज द रीजन वाई द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर एट पोल्स। जो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो बहुत ही ज्यादा बल्क में होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी तक हमने मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सबको सेपरेट पढ़ा है, बट अब जो हमारा चैप्टर का नाम है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, कि करंट में किस तरीके से मैग्नेट्स के इफेक्ट्स हैं या क्या रोल प्ले करता है, तो अब इस चैप्टर में हम इसे कंबाइन करके पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कैसे वो देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड जब हम बोलते हैं तो ये इसमें हमारे दो वर्ड्स आते हैं, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड इज मैग्नेट। नाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मीन्स की कोई भी चीज जो कि मैन मेड होती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया, इससे ये भी पता चल जाता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट होगा, क्योंकि मैंने जब मैग्नेट आपको कराया था तो दो टाइप्स बताए थे, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। नेचुरल मैग्नेट्स मीन्स की जिनकी पावर या स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है, ज्यादा लेवल पर वो नहीं रिएक्ट कर पाते, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट ऑब्वियसली मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा भी बनाई जा सकती है और कम भी, मतलब जितनी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, दिस फील्ड डिसअपीयर व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ। इस ये जो पूरी स्टेटमेंट्स हैं इनमें ये है, इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी करंट पास हो रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी, और अगर करंट पास नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है। बट जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है, इवन हमें किसी भी चीज से वो दिखाई नहीं देती है, वो एक इमेजिनरी पाथ होता है जो हम ड्रॉ करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ दिस फील्ड डिसअपीयर्स व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ, अगर सर्किट में करंट नहीं है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाई देगी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग और इंड्यूसिंग अ मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस पूरे प्रोसेस को जो हमने अभी तक पूरा प्रोसेस पढ़ा कि करंट अगर नहीं है सर्किट में या टर्नड ऑफ कर दिया जाए तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं दिखाई देगी, अगर करंट है तो हमें दिखाई देगी, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। या मैंने दो डायग्राम्स लिए हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। फर्स्ट वन देखिए, ये आपका यहाँ पे हमने कोटेड वायर लगाई है। अगर हम इसको प्लेन वायर को यूज करते हैं तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं, इसलिए हम इंसुलेटेड वायर हर सर्किट में यूज करेंगे। सेकेंड थिंग इज ये देखिए, यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, बैटरी कनेक्ट है, वायर्स हैं, ओपन सर्किट है, और जब कभी भी ओपन सर्किट होता है तो करंट पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इस सर्किट में और कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें ये इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं या एपरेटस जो हमने सेटअप लगाया है। सेकेंड सर्किट देखिए, इसमें हमने यहाँ पे बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब ये सर्किट कंप्लीट है, कंप्लीट सर्किट मीन्स क्लोज सर्किट। जैसे ही सर्किट क्लोज होगा इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये जो इमेजिनरी लाइंस मैंने डॉटेड लाइंस जो मैंने करी हुई हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब जब इसमें करंट पास होता है तो हमें ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देती है, अदरवाइज हमें ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देगी। फर्स्ट वाले डायग्राम में हमें ये दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इसमें सर्किट क्लोज नहीं है, ये ओपन सर्किट है। नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम तीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है करंट कैरिंग कंडक्टर की, सेकंड स्ट्रेट कंडक्टर, एंड थर्ड वन इज मूविंग कॉइल। नाउ जब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर हम पढ़ेंगे तो इसमें हम ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। बहुत ही ईजी और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। This can be seen with the help of a magnetic needle, which shows the deflection. अगर किसी भी सर्किट में हमें करंट की प्रेजेंस का पता लगाना है तो उसमें हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं या एक मैग्नेटिक नीडल का यूज करेंगे जो कि डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर डिफ्लेक्शन होता है तो पता लगता है कि उसमें सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नाउ द मोर द करंट द हायर द डिफ्लेक्शन। ये इस पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपका वन मार्कर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स। तो मीन्स कि ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर करंट ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी हायर होगी, और अगर डायरेक्शन करंट की रिवर्स हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन जो होगी वो भी अपने आप ही रिवर्स हो जाएगी। सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अभी तक हमने बात करी थी सिर्फ कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट हो, अब बात करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर। करंट अगर स्ट्रेट कंडक्टर हम बोलते हैं तो इट मीन्स उसकी डायरेक्शन वर्टिकली हो सकती है, वो अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। नाउ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रेटिक सर्कल्स अराउंड इट। कंसेंट्रेटिक सर्कल्स अराउंड इट का मतलब है ये हमारी दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, हमने यहाँ पे ये स्ट्रेट कंडक्टर लिया है। अब जो इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऐसे राउंड फिगर्स में मींस कि सर्कल ड्रॉ करते हुए बनेगी, इसे कहते हैं कंसेंट्रेटिक सर्कल्स। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी शोन बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करेंगे जो कि इमेजिनरी लाइन्स होती है, हमें दिखाई नहीं देती हैं। नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उनकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करेगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसी अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। अब ये दो केसेस हैं आपके पास, वन बाय वन दोनों को समझते हैं। लेट द करंट कैरिंग कंडक्टर बी सस्पेंडेड वर्टिकली एंड इलेक्ट्रिक करंट इज। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि वर्टिकली हमने इसको सेटअप किया है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन है करंट की तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। साउथ टू नॉर्थ, फर्स्ट केस में देखिए साउथ टू नॉर्थ है तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये एरोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं और ये करंट फ्लो है ऊपर की साइड। नाउ सेकेंड वन इज अगर करंट की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्लॉकवाइज होगी। ये सेकेंड केस है, इसमें नॉर्थ टू साउथ करंट जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, क्लॉकवाइज है। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन रिलेशन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
through a straight conductor can be depicted by the using the right hand thumb rule. It is also known as Maxwell corkscrew rule. अब इस रूल में क्या होता है, अभी हमने बोला कि करंट की डायरेक्शन जिस साइड होगी उसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. अगर नॉर्थ साउथ से नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ टू साउथ है तो वो क्लॉकवाइज. अब इसके लिए कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो किस तरीके से एग्जैक्टली हम बता सकते हैं, इसमें हम एक रूल यूज करते हैं जिसे राइट हैंड थंब रूल कहते हैं. राइट हैंड थंब रूल कभी भी समझने के बाद गलत नहीं हो सकता जब तक आप उसको राइट हैंड से करेंगे. बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से कर देते हैं तो आपकी जो रीडिंग आती है वो गलत हो जाती है. नाउ इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय अ राइट हैंड, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर उसको आपने राइट हैंड से पकड़ा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन कीपिंग द थंब स्ट्रेट, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, देन द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग ऑफ अदर फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम्पल डायग्राम से समझिए. इसमें क्या कहा है हमें कि राइट हैंड थंब रूल है, ये हमारा राइट हैंड है, थंब की डायरेक्शन करंट शो करती है. मीन्स कि अगर थंब हमारा ऊपर की साइड है तो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऊपर की साइड. ये स्ट्रेट कंडक्टर है. अब इसमें जो फिंगर्स ने ये इस तरीके से जो हमारी फिंगर्स हैं, ऊपर जो थंब है वो हमेशा करंट शो करेगा और जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगी. अगर ये ऑपोजिट हो जाए मीन्स कि जो थंब है वो नीचे की साइड, लेकिन रूल राइट हैंड ही लगेगा क्योंकि राइट हैंड की बात करें, बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी डाउनवर्ड या अपवर्ड में. ये अपवर्ड कंडीशन है. अगर डाउनवर्ड हो जाए थंब नीचे आ जाए और मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट हो जाएगी, मीन्स कि करंट कहाँ की साइड होगा, नीचे की साइड. हमें हमेशा सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस साइड थंब होगा करंट हमेशा उसी साइड फ्लो करेगा. तो ये था राइट हैंड थंब रूल, मीन्स कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगा और जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, फिंगर्स की रैपिंग इस तरीके से हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी. अब इसी का ही सेकेंड पार्ट ही है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल. जैसे राइट हैंड थंब रूल होता है सेम इस तरीके से यही रूल है. एज पर मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल इफ द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्क्रू शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू को रोटेट करवाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है जिस साइड से इसकी पिन पॉइंट होगा वो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट होगा. अब इसमें देखिए, अगर हमने इस स्क्रू को घुमाया जैसे कि कहीं पे वॉल पे या इसे फिक्स करते हैं, तो उस टाइम पे इसकी रोटेशन आपने शायद से ऑब्जर्व करी हो कभी, तो जो ये नीचे वाला पॉइंट है ये इस तरीके से ही घूमेगा जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड शो करी हुई है. ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू को घुमा रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, एंड जो नीचे जैसे अंदर घुसता हुआ जाएगा ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा. तो मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट राइट हैंड थंब रूल एग्जाम में आ जाता है, इसके डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है. तो आपको दोनों सिचुएशंस पता होनी चाहिए. अगर थंब ऊपर की साइड है मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन हो गई, और अगर थंब नीचे की साइड है तो डाउनवर्ड करंट हो गया, तो दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मीन्स की क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी. ये इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है. नेक्स्ट वीडियो में हम करंट थ्रू अ मूविंग कॉइल पढ़ेंगे और बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच.